जैसी दिन मिला दिन नबी से सदर मेरे दोस्त मेरे भाई अखलाक दीना हमारे मेम्बर साहब अशफाक जमीर भाई दलाल इम्तियाज उड़न साहब हमारे रोहित बापा मंडली का माजी नजाकत अली मधुकर भगवान न्यूज चैनल के प्रमुख और यहाँ का युवा नेतृत्व जो अभी उबल कर ऊपर आ रहा है हमें बड़ी खुशी है। इन 5 सालों में मोहसिन मेंढरगीकर का जो काम देख रहे हैं हम यूथ कांग्रेस में काम कर रहे हैं। आज वो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है, मैं भी यूथ कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष रह चुका हूँ। यूथ कांग्रेस में क्या काम करना चाहिए उसमें वो काबिलियत है और वो काम कर रहे हैं। और ये रक्तदान शिविर हर साल वो भराते हैं, हर साल 100-200 रक्तदान शिविर में बोला करते हैं। उसी तरह आज भी आप सब लोग उसके साथ रहेंगे ऐसी दुआ करते हुए ऐसा आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करके आप उसको सहकार्य करें और उसका जो यमाय पार्टी का ख्वाब है वो उसका पूरा हो गया ऐसी अल्लाह से दुआ करते हैं। हमारे शहर अध्यक्ष सोलापुर के शहर अध्यक्ष फारूक शाफी साहब के नेतृत्व में हमारे मोहसिन मेंढरगी जो युवा नेता हैं हमारे एमआईएम के, उन्होंने आज ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा है। उन्होंने और सर्वेश कल्याणी ने ये कुछ प्रोग्राम रखा है तो मैं सबसे पहले उन्हें मुबारकबादी देती हूँ। हुजूर के आमद पर उन्होंने ब्लड डोनेशन का इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है तो हुजूर के सदके में अल्लाह ताला उन्हें हमेशा खुशियाँ नसीब करे, कामयाबी नसीब करे। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ। जश्न ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम सब में पहले हमारे अल्लाह बख्श दीना साहब, उन्होंने मरहूम अल्लाह बख्श दीना साहब ने शुरू किया था। सबसे पहले बीजापुर में से ये जुलूस शुरू होता था तो आज इस जुलूस में 2 ग्रुप पड़ गए हैं तो बहुत अफसोस की बात है। आज 2 हैं कल 4 पड़ेंगे, इस तरह से होना नहीं चाहिए। तो आप सब से लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप सब एक होकर वो जुलूस जो हमारे मरहूम अल्लाह बख्श दीना साहब ने किया था उसे हमेशा के लिए कायम रखे, उसे आबाद रखे। मेरी इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और हमारे जो मोहसिन मेंढरगी साहब हैं तो इन्होंने हमेशा ये धड़ाड़ी के कार्यकर्ता हैं, हमेशा बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम लिए हैं, बहुत डेरिंग से काम करते हैं। कुंतम चौक में भी उनका जो दिखाए का कार्यक्रम होता है बहुत ही शानदार होता है और इस साल भी बहुत ही गुप्त कार्यक्रम उन्होंने रखा है और बेडर बेखौफ होकर सबको लाजवाब कर देते हैं। तो मोहसिन मेंढरगी की जितनी भी तारीफ करो कम से, मोहसिन मेंढरगी एकदम बेबाक और न डरने वाले हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं एमआईएम के। और फारूक भाई शाफी साहब को भी वो जान निछावर करते हैं इनके लिए। तो सभी यहाँ पर आए हुए मेहमानों के से मैं ये गुजारिश करती हूँ कि खासकर ईद मिलादुन्नबी का ख्याल रखें और ये हमारे दिखावे के कार्यक्रम में ज़रूर आए मोहसिन मेंढरगी के। और आज के जो अध्यक्ष अखलाक दीना साहब यहाँ पर आए हुए हैं, अशफाक बागन साहब हैं, याकूब हैं और हमारे नजाकत अली साहब हैं और जाबिर अल्लोड़ी साहब जिनसे हमारी बहुत पुरानी पहचान है, बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के हैं, वो हमेशा लोगों को मदद करते हैं, इस मोहल्ले के जिम्मेदार हैं। तो वो यहाँ पर पहले एक लड़की को चुनकर लाए थे, बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस बार ये हमारे मोहसिन मेंढरगी को जरूर साथ दें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जश्न ईद मिलादुन के मौके पर स्टार सोशल ग्रुप के जानिब से मेरे छोटे भाई विमान के युवक अध्यक्ष मोहसिन भाई मेंढरगीकर के जानिब से आज ये रक्तदान शिविर रखा गया है। ये रक्तदान शिविर मोहसिन भाई मेंढरगीकर हर साल लेते हैं और गौतम चौक में एक अच्छा मैसेज देखने के लिए हुजूर की शान में डेकोरेशन भी करते हैं और उनके स्टार सोशल ग्रुप के माध्यम से कुछ ना कुछ नया नया उपक्रम और कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं मोहसिन भाई को दुआई देता हूँ इस मैच में से, मोहसिन भाई आप फिक्र ना करो, हम आपके साथ हैं और वैसे इस कार्यक्रम के लिए जो हमको बुलाए
शहर पुलिस कमेटी के मेरे बड़े भाई अखलाक दीना भाई उमर साहब, वो हमारे छोटे भाई याकूब भाई अमर साहब, अशफाक भाई भगवान साहब और अंदोली साहब और हमारे मार्गदर्शक मधुरकर साहब और सोमाम स्टार सोशल ग्रुप का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि आप हमें बुलाकर हमारे हौसला अफजाई की। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। कल 16 तारीख को हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश दिन है और पीर के दिन ही हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और ये 100 साल में एक दिन आता है, तो इस दिन को हमको कल किसी भी हालत में मनाना चाहिए। और जहाँ जहाँ अपने मोहल्लों में सजावट कर सकते हैं, खाना तकसीम कर सकते हैं, मिठा तकसीम करते हैं, अच्छी के और शांति के साथ एक अच्छा मैसेज देने के लिए इस प्रोग्राम को करिए। जाके हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो रास्ता बताया है उसी रास्ते के मुताबिक हमें काम करना है। किसी की भावना ना दुखे या किसी को ठेस ना पहुँचे, ऐसा कोई काम नहीं करना है, शोर शराबा नहीं करना है और उनके शान में हमके नारे देकर खामोशी के साथ ये जलसा साजरा करना है। मैं मोहसिन भाई के स्टेज पर आपको आह्वान करता हूँ कि कल बीजापुर बेस में 11 बजे सभी धर्म के धर्म गुरुओं को बुलाकर एक जलसा रखा गया है। उस जलसे में आप सब लोग शामिल होकर हमें शुक्रिया का मौका दें और वैसे ही हम इस जलसे के लिए सोलापुर शहर कमेटी की अखलाक भाई दीना मेंबर और उनके सभी उस वक्त को भी हमने दावत दी है, उनसे भी आप रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस कल प्रोग्राम में आकर हमारे प्रोग्राम की शानी शौकत बढ़ाए और मुझे बोलने का मौका दिया। और मेरी गुलपुरशी की और स्टार सोशल ग्रुप के अध्यक्ष कल्याणी को भी मैं शुभेच्छा देता हूँ और मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। के मौके पर स्टार सोशल ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर व जिला युवक अध्यक्ष मोहसिन भाई मैदरगीकर, इनके ट्रेंड सर्कल ने जो रक्तदान शिविर रखा है, इस रक्तदान शिविर में सोलापुर महानगर पालिका के माजी नगर सेवक वाहिद अब्बा बंडाले, यहाँ के ज्येष्ठ समाज सेवक अल्लोड़ी चाचा नजाकत अली मंदरूकर साहब और हमारे जश्न मिलादुलनबी जुलूस कमेटी के अध्यक्ष अखलाक भाई दीना, कौशिक साहब याकूब भाई एमआर, हमारे समीर भाई दलाल साहब और बुजुर्ग तमाम भाइयों दोस्तों, स्टार सोशल फाउंडेशन के माध्यम से जो कई सालों से यहाँ पर रक्तदान शिविर हो उसी के साथ साथ एक रियल जो है ना एक दिखावा जो अक्सा मस्जिद अक्सा हो या इमाम हुसैन हो, इस तरह के उन्होंने कुंतम चौक के अंदर स्टार सोशल फाउंडेशन के माध्यम से इनका जो आज का चौक के अध्यक्ष है टेपू कल्याणी, इनके माध्यम से मोहसिन भाई मैदरगीकर का पूरा फ्रेंड सर्कल ने पूरे सोलापुर शहर नहीं जिला नहीं बल्कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के हिस्से में जो है ना एक फिजा बनी हुई है कि कुंतम चौक के अंदर एक ऐसा दिखला होता है कि काबिले तारीफ होता है। तो जहाँ कहीं हम तस्वीरों में देखा करते हैं या जहाँ कहीं पिछले काल में हुआ कानों से सुनते हैं, उस चीज़ को स्टार सोशल फाउंडेशन के माध्यम से हमको रियल में देखने का मौका आज कुंतम चौक में देखने का इस फाउंडेशन ने किया है, ये काबिले तारीफ की बात है। सबसे पहले इन्हें मैं इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसी के साथ साथ आज का जो प्रोग्राम लिया है ये इंसानियत भरा प्रोग्राम है जिसका ज़िंदगी और मौत का फैसला ये अल्लाह ताला के हक में है, लेकिन उसका एक ज़रिया बोलकर आज हम बनते हैं वो खून देने का। जिस तरह से किसी बहन की डिलीवरी का मामला हो तो डिलीवरी के वक्त वो खून क्या कीमत रखता है वो उस औरत को पता होता है और उस डॉक्टर को पता होता है। तो उसी तरह से एक्सीडेंट हो, इमरजेंसी के तौर पर किसी को ब्लड लगना हो, तो ऐसे तौर पर जो है ना हमेशा ब्लड डोनेशन का जो कैंप लेकर आज यहाँ पर स्टार सोशल फाउंडेशन ने अपना एक अनोखा उपक्रम रवाया है, इसकी मैं काबिले तारीफ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आने वाले कल के अंदर इनके अल्लाह ताला ऐसे ही काम ले ऐसी दुआ करता हूँ और अपने अल्फाज ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, जजाकल्लाह। और स्टार सोशल ग्रुप के अध्यक्ष और साथ ही ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिमीन के शहर युवक अध्यक्ष अली जनाब मोहसिन मैदरगीकर और उनकी पूरी टीम के जानिब से और उपसभा अध्यक्ष टीपू भाई कल्याणी इनके जानिब से ये खास रक्तदान शिविर ऑर्गेनाइज किया गया है जो तकरीबन 5 सालों से मोहसिन करते आ रहा है। मोहसिन की खिदमत अभी से नहीं है, 5 सालों से ये कम उम्र से ऐसे सोशल वर्क करते रहता है, अभी भी करते जारी रखता है। और
जश्न मिलादुन्नबी जुलूस कमेटी के जानिब से भी ये प्रोग्राम में हमेशा शामिल होते रहते हैं मोहसिन, और आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह 18 तारीख को मोहसिन एक बहुत बड़ा देखावा हमारे कुंतम चौक में रख रहे हैं, और साथ में दूसरे सामाजिक कार्य भी आज से मोहसिन के शुरू हुए हैं, और जो आने वाले 20 तारीख तक मोहसिन और उनकी पूरी टीम हमारे टीपू भाई कल्याणी इनके साथ पूरे ग्रुप के साथ इंशाल्लाह काम जारी रहेगा 20 तारीख तक। मोहसिन भाई ने हम सबको यहाँ पे बुलाया और सभी की इज्जत अफजाई के मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और एक ज़रूरी ऐलान करता हूँ कि आने वाले 19 को जश्न मिलादुन्नबी जुलूस कमेटी शहर सोलापुर की जानिब से शान मोहम्मद शान मुस्तफ़ा शान नबी में एक तारीखी जुलूस शहर सोलापुर के तारीखी चौक डॉक्टर जाकिर हुसैन चौक बीजापुर बेस से निकलेगा, और सुबह 12:30 बजे उधर ही समारोह होगा। आप सभी हजरात आने वाले जुलूस में जिसकी कयादत इस साल के सदर हमारे संस्थापक अध्यक्ष मरहूम अल्लाह बख्श दीना इनके परगन अली जनाब अखलाक दीना साहब इनकी सदारत में ये जुलूस सुबह 8 बजे डॉक्टर जाकिर हुसैन चौक बीजापुर बेस से निकल कर पूरे शहर में अलग अलग एरिए में घूम कर 12 बजे बीजापुर बेस में आएगा, और 12 बजे इंशाल्लाह हमारे अखलाक दीना साहब इनकी सदारत में ये प्रोग्राम और समारोह होगा। आप सभी हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सभी जुलूस में शरीक रहकर शुक्रिया का मौका दी। अस्सलाम वालेकुम। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आज जो मुस्लिम महेंद्र की करनी ब्लड डोनेशन का जो प्रोग्राम रखा है, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ, और आए हुए लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना एक ब्लड डोनेशन ब्लड देकर मुस्लिम महेंद्र की कर को सपोर्ट करें। और दूसरी बात जो है ना, जो भारत हिंदुस्तान की सरकार ने जो वक्फ बोर्ड के बारे में जो अपने ऊपर कुछ चीज़ें लादे हैं, उसके लिए एक प्रोग्राम जो स्कैनर का जो स्कैन करने का जो वोटिंग करने का जो ये है वो अभी वहाँ पर लगा है। जो हजरात अगर वक्फ बोर्ड के बारे में विरोध में वोटिंग नहीं करें, इसलिए वो स्कैनर के जरिए अपनी वोटिंग करें, याद से करें भाई, बस इतना ही कहता हूँ।